कोरियन ट्रेन ना पिछले 7 सालों में हम सफ़र करते हैं, पहली दफ़ा 6 मिनट लेट हुई है। भूसान जाना था और 7 मिनट लेट हो गया, और हमारे साथ आए हुए हैं माउदी भुचूड़े अवैस। वेटिंग रूम उन्होंने बनाया है ट्रेन का, यहाँ बैठे हैं, बारिश सर्दी है, अंदर हीटर वगैरह लगा हुआ है, सारा कुछ बेहतरीन इंतजाम उन्होंने किया हुआ है। ये देखिए वो सामने एलईडी है, एंजॉय करें आप सब। तो ले भाई, जो ट्रेन लेट हुई थी वो अब पहुँच आई है, अब हम जा रहे हैं बुसान। लेट्स खाजा। आगे 11 नंबर ट्रेन है हमारी भाई, बस सलामुअलैकुम जी माउदी भुचूड़े हो। हम लोग आ जाए भाई कासम भाई के पास आए, बहुत इसकी तारीफ सुनिए, बिरयानी बनाते हैं बहुत छांगवान में ना, सबसे मशहूर बिरयानी सुना ये बनाते हैं, स्पेशल बिरयानी 3 कलर वाली ये बिरयानी बनाते हैं, आ जाए देखते हैं कैसे बना। लेकिन इनके साथ ना पूरी पूरी हेल्प भाई ने की है। अच्छा सारा काम इन्होंने किया, आखिर में बस ना हाथ लगाया सिर्फ इसने। और ये अब कासम खान दे, खुशबू तो वैसे आ रही है कासम। अच्छा? हाँ खुशबू आ रही है, देखें खुशबू आ रही है, फिर सही होगी। ये अच्छी है माशाल्लाह, देखें। और ये भाई आए अभी माशाल्लाह, नए आए भाई, अपना तारफ करवाएं भाई। भाई मैं उस्मान फ्रॉम हाकी। ओ फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम पाकिस्तान फ्रॉम हाकी। माउदी भुचूड़े ये के पी के। हाँ ये भी माउदी भुचूड़े में शामिल हो रहे हैं, और इनका तो आप जानते हो पुरानी हस्ती है ये माशाल्लाह। भाई अवैस साहब ये भाई, मैं नेपाल से हूँ। हाँ भाई नेपाल से, कहाँ पे होते हैं? यहाँ पे छनान में हूँ सर। छनान में होते हैं भाई जी, और इनको तो आप माशाल्लाह जानते ही होंगे भाई। भाई थोड़ा अपना फिर भी तारफ करवाई दें। मेरा नाम इब्रार है यार, जो आपका अकाउंट है अपना, जो आई के ट्रेवल। हाँ और ये हमारे कासिम भाई हैं। अगर आपको ना वीज़े के बारे में, किसी भी वीज़े के बारे में, फॉरन वीज़े के बारे में मालूम लेनी हो, ओनली विजिट, ओनली विजिट के लिए, वर्क परमिट नहीं है, ये ना किसी भी वीजे के बारे में मालूम लेनी हो तो आप इनसे रब्ता करें। तो अभी फिलहाल खाना खा रहे हैं, बहुत भूख लगी है। स्पेशल ये छांगवान में एक नया सिटी बन रहा है, बहुत ही खूबसूरत। ये बिल्कुल ना ये समंदर के दरमियान एक जजीरा छोटा सा इन्होंने बनाया है, उसके अंदर सारे का सारा ये बनेगा, इसके अंदर अपार्ट बनेंगे, पूरे एक प्रॉपर सिटी बनेगा और बहुत ही खूबसूरत सिटी है। नज़र आ रहे ना हो, आइए दोबारा। आने वाले टाइम में ना यहाँ पे बहुत ही प्यारा जो है ना व्यू होगा। अगर आप विज़िट करना चाहें तो आप ज़रूर छांगवान मासान में आएँ और यहाँ विज़िट करें। ये बिल्कुल सारा नया सिटी बनेगा यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार, बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 10 साल कम से कम इसमें लगेंगे। ये इन्होंने पुल बनाए, आप देखें बड़ा खूबसूरत मंजर है यहाँ से। ये देखें ये जो सारा एरिया ना, यहाँ पे सोसाइटी बनेगी, इसके चारों तरफ पानी पानी होगा, ये सेंटर में होगी, और ये बहुत ही खूबसूरत सिटी यहाँ बनेगा। आने वाले वक्त में यहाँ पे वाकई विजिट के लायक हो गई है। शाम का वक्त इस बार चल रहा है, छांगवान में ये दोस्तों से मिलने आए हैं और
चांगवान में कौन सी जगह है? नई प्लेस बनी है मसान की, चांगवान सियालकोट। चांगवान सियालकोट, चांगवान सियालकोट है ये। और चांगवान सियालकोट बाबा जी नहीं, इन्होंने लोकेशन बनाई है समुंदर के पास मसान के एरिया। अच्छा, समुंदर के ऊपर ये पुल बना है, अभी अपार्ड वगैरह बनेंगे। पीछे ये जजीरा था, अच्छा उसको बराई की है जमीन भरी। जजीरा दिखाते हैं ना आप, साथ साथ बताएं जरा। हाँ जी, ये इनका स्टेडियम बन रहा है। कहाँ पे? ये पीछे क्रिकेट का स्टेडियम बनेगा। ये जो गाड़ियाँ गाड़ी है हमें सल हुआ करेगा। अच्छा यार, कोई सीरियस बात बताओ जो हकीकत में यहाँ पे होगा ना, लोग आए ना ताकि ना टूरिस्ट है ना, पेरिस बन गया। सही कह रहा हूँ, उस तरह जो है ना वो लाहौर कलंदर के लिए जो है ना बना रहे हैं पार्क। ये जो सारी जमीन है ना, ये शहबाज शरीफ को तोहफे में मिली है, वो बेचने लगा इसको। मुझे वो जो आप जजीरा देख रहे हैं ना, वो जनरल बाजवा का है। उससे पीछे वाला जनरल कैनी का है। अभी ये जमीन शहबाज शरीफ बेच रहा था, उसके ऊपर केस चल रहा है, वो तुर्की छुपा हुआ है। अच्छा नहीं यार, अच्छी जगह वैसे यार घूमने के लिए। बाकी सब मजाक कर रहे हैं, हकीकत में ना बहुत अच्छी जगह बनी है। आप जब आए चांगवान, ये डी चौक है, ये डी चौक है, चांगवान मसान ना, चांगवान मसान जी, आगे से अलकोट, आगे से अलकोट, यानी मसान खत्म होने के बाद अच्छी जगह आप लोग आ सकते हैं। पिंडी ना राजा बाजार आ रहा है आगे सामने, ये देखें बहुत ज्यादा डेवलप। आपको लाल हवेली नजर आ रही होगी, ये देखो राजा बाजार की वो लाल हवेली जहाँ बिला हुआ था यार मेहरबानी। हाँ वो ग्वादर पोर्ट बन रहा है, थोड़ा सा बन रहा नहीं बना। और वहाँ एक ग्वादर पोर्ट आपको दिखा रहे हैं, देखें ये ग्वादर पोर्ट। और ये जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सारा का सारा ये सारा डीजल है जी। और आप बोरिये वाले स्पेशल फजल रहमान साहब से राबता कर रहे हैं कि यहाँ पे आए और यहाँ पे अपने डीजल की रिफाइनरी लगाए और डीजल का कारोबार बढ़ाने में हमारी मदद करें। देख लें आप यार, शाम के वक्त ना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ पे, आप आ सकते हैं। बहुत यार मुझे तो अच्छा लगा, ये पतंग उड़ा रहे हैं, आपको नजर आ रहे होंगे पतंग, ये देखें। एक ही शख्स दो इकट्ठे पतंग उड़ा रहा है। कासम आ गया यार, तू पीछे पीछे, वो तो जगह थोड़ी तेरे पीछे आ जाता। अब ये देखें, ये भी इसमें पतंग ही बनाए, छोटे छोटे बिल्कुल परिंदों की शक्ल में बनाए हुए हैं। नहीं हवा चलें जी, आज के इतने ही चांगवान की थोड़ी सी यादें आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह हाफिज़।